कैन यू लूज 5 kg ऑफ फैट इन अ वीक। सो ऐसी वीडियोज बहुत सर्कुलेट हो रही हैं आजकल इंडिया में। अनफॉर्चुनेट बात है, बट हमारा नसीब ही ऐसा है मेरे ख्याल। ये सब हो रहा है एंड काफ़ी यूट्यूबर्स आगे आ रहे हैं एंड इन लोगों को स्पेसिफिकली उठा कर उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं वो सब नहीं करूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि वो यूट्यूबर्स गलत कर रहे हैं, बिकॉज़ जो भी लोग ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं वो ये सब डिज़र्व करते हैं, बट मैं वो नहीं करूँगा। सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दोज पीपल एंड मैं अपना चैनल का कॉन्टेंट ख़राब करूँ, मैं नहीं करना चाहता उनके बारे में बात करके। मैं बात करूँगा कि जो कहा जा रहा है वो कितना कुछ सच हो सकता है। सो हम आज बात करेंगे अबाउट लूजिंग 5 kg ऑफ फैट इन अ वीक। आई से इट अगेन, 5 kg ऑफ फैट इन अ वीक। सो थ्योरेटिकली इन ऑर्डर टू लूज अराउंड अ पाउंड अ वीक ऑफ फैट, वी हैव टू बी इन अ डेफिसिट ऑफ 3500 कैलोरीज इन अ वीक। दैट मीन्स अ डेफिसिट ऑफ 500 कैलोरीज इन अ डे। सो हम इसको सच अज्यूम कर देखेंगे कि हम 5 kg ऑफ फैट एक वीक में लूज कर सकते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 5 kg ऑफ फैट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स बीइंग रिटर्न, लूज 5 kg ऑफ फैट इन अ वीक। 3500 कैलोरीज का डेफिसिट हमें वीक में चाहिए होगा टू लूज अ पाउंड ऑफ फैट। सो अगर हम देखें कि हमें 5 kg ऑफ फैट लूज करने के लिए कितना डेफिसिट चाहिए होगा, सो हम 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस 900 ग्राम लूज़ करने के लिए वीक में हमें 7000 कैलोरीज का डेफिसिट चाहिए होगा। इट मींस हमें 1000 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट चाहिए होगा पर डे। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अगर हमें 1.8 kg इन अ वीक लूज़ करना है, सो हमें 14000 कैलोरीज का डेफिसिट चाहिए होगा एंड 2000 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट पर डे। हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, अगर हमें 2.7 kg लूज़ करना है इन अ वीक, हमें अराउंड 21000 कैलोरीज इन अ वीक का डेफिसिट चाहिए होगा एंड 3000 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट इन अ वीक। हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, अगर हमें 3.6 kg ऑफ फैट लूज़ करना है, हमें 28000 कैलोरीज डेफिसिट चाहिए होगा एंड 4000 डेफिसिट इन अ डे। हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, हमें अगर 4.5 kg ऑफ फैट इन अ वीक लूज़ करना है, तो हमें 35000 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट चाहिए होगा इन अ वीक एंड 5000 ऑफ डेफिसिट इन अ डे। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, तो अगर हमें 5 kg ऑफ फैट लूज़ करना है, सो हमें 9 × 5 × 5 लाइक अराउंड 38000 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट चाहिए होगा इन अ वीक एंड अराउंड 5.5 kg कैलोरीज ऑफ डेफिसिट इन अ डे। इट मीन्स 5500 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट इन अ डे अगर आप कर लेते हो, तो यू विल लूज 5 kg ऑफ फैट इन अ वीक। हे गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट ये जरूरी है। सो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आपको बाकी की वीडियो ढंग से समझ आ सके। सो इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है थोड़ी बहुत इस चैनल पे। सो मेरे व्यूवर्स हैं जो रेगुलर, उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि सबको फिर से पता चल जाए। सो द थिंग इज़ दैट बेस्ड ऑन आवर बॉडी फैट परसेंटेज, हमारी बॉडी की सर्टेन टेंडेंसी होती है टू टेक एनर्जी फ्रॉम आवर फैट स्टोर्स। सो थ्योरेटिकल नंबर मैं आपको कर दूँ, वो ये होगा कि आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को 20 से डिवाइड कीजिए एंड जो भी आपके पास नंबर आएगा, उतने परसेंट ऑफ योर बॉडी वेट आपकी बॉडी फैट स्टोर से ले सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट है 70 kg एंड आपकी बॉडी फैट परसेंटेज है 20%, एस्टिमेटेड 20% बॉडी फैट। सो अब हम 20% को 20 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा 1। सो इट मीन्स यू कैन लूज 1% ऑफ योर बॉडी वेट इन अ वीक विदाउट द रिस्क ऑफ मसल लॉस, बिकॉज उतनी आपकी बॉडी की टेंडेंसी है टू टेक एनर्जी फ्रॉम फैट स्टोर्स। नाउ इफ योर टेंडेंसी इज टू लूज अराउंड 700 ग्राम, बट इफ यू ट्राई टू लूज अराउंड 1 to 1.4 kg, देन देर आर पॉसिबल चांसेस दैट यू लूज मसल्स। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस। नाउ इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, अब हमें सब नंबर्स पता हैं, सो हम इजीली
हाँ ये फैट लॉस कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो लोग कह रहे हैं कि फैट लॉस हो सकता है भाई हो सकता होगा, इसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं आपको, लाइक जहाँ से वो आया था, क्या पीके आया था, जो पीके मूवी में आमिर खान जहाँ से आया था आपको वहाँ से आना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में तो ये पॉसिबल है नहीं भाई। इसके लिए आपका अगर इंडिया में से भी हो तो आपका वेट अराउंड 250 किलो होना चाहिए, ताकि अगर आप 2% ऑफ बॉडी फैट इन अ वीक भी लूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप इतनी हाई बॉडी फैट पे हो गए तभी आप इतना फैट लॉस कर सकोगे इन अ वीक। अगर आप 100 kg का बंदा 5 kg लूज़ कर रहा है, आपको कोई कुछ ना कुछ आपकी टांग वगैरह काटनी पड़ेगी, वैसे तो मुझे लगता नहीं वैसे ऐसे काट कर आप इतनी फैट निकाल सकते हो। ये आप कर सकते हो, मैं आपको और सजेशन दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में उन्होंने भी आपको कुछ सजेशन बताए होंगे जिन्होंने ये वीडियोस डाली हैं। सो आप अगर ये कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज़ तो यार इतना मेरे ख्याल में किसी की मेंटेनेंस तो इतनी होती नहीं है कि 7000 कैलोरीज किसी की मेंटेनेंस हो। चल मान लो अगर कोई 2-3 घंटे के लिए रनिंग भी कर रहा है, 4 घंटे के लिए रनिंग भी कर रहा है, अगर आपकी इतनी मेंटेनेंस है तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर इतना रन कर पा रहे हो तो आपकी बॉडी 5 kg ऑफ फैट लॉस तो करेगी नहीं। 5 kg की में अराउंड आपका 2-3 or 4 kg भी मसल लॉस होगा, सो फैट तो फिर नहीं लूज़ हुआ। सो अब आप देख लो यार, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आपको जैसे आपको बताया है जहाँ से आमिर खान आया था वहाँ से ही आना पड़ेगा, इंडिया में तो ये पॉसिबल होगा नहीं। प्लीज़ समझदार बनो यार, अब मजाक ख़त्म हो गया, आपको अवेयर होना होगा। मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँगा, बाकी लोग ये काम कर रहे हैं, सो मैं ये काम उनको ही छोड़ूंगा। मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा, बट मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको समझदार होना पड़ेगा। मैं अपने चैनल्स के व्यूवर्स को नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग सब समझदार हो यार, आपको कोई भी पागल नहीं बना सकता, बट मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुँचेगी, मुझे लगता नहीं पहुँचेगी, अगर पहुँचती है तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपको समझदार होना पड़ेगा। बट अगर आप समझदार नहीं होना चाहते हो एंड आपको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, सो आपको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, बाय बाय। बट अगर आप समझदार होना चाहते हो तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर आपकी जो बुद्धि को बरिष्ठ ना कर सके। आई होप कि आपको कोई क्लियर हुआ है आइडिया, बट अगर आप फिर भी उनको बिलीव करना चाहते हो तो आप कोई टिकट लेकर एलन मस्क से बात कर उसके SpaceX के चक्कर में बाहर जा सकते हो धरती के, ताकि आ जहाँ से पी के आया था वहाँ से आप पा सको, ताकि तब भी 5 kg फैट लॉस इन अ वीक हो सकेगा भाई इंडिया में, जब धरती पे तो ऐसा होगा। धन्यवाद।